आप देख रहे हैं मंडी लाइव अपडेट। आज सुबह से ही प्रेशियस मेटल्स पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। सिल्वर आधे फीसदी के आसपास की तेजी में है, लेकिन M6 गोल्ड जो है उसमें 36 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। स्ट्रैटेजी के तौर पे केडिया कमोडिटी की राय कि गोल्ड अक्टूबर वायदा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 30,900 के लेवल पे खरीदें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा, 31,300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 30,700 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आपको लगाना होगा। सिल्वर दिसंबर वायदा खरीद के चलें, केडिया कमोडिटी मानता है 45,200 पे, 44,800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 45,900 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बैंड डिप्स की नजदीक रखें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में आता हुआ नजर आएगा। क्रूड में आज ज्यादा हलचल है नहीं, पिछले सत्र में कार्नेज था। इनफैक्ट ग्लोबली भी क्रूड पिछले दो ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा टूट चुका है। केडिया कमोडिटी की राय खरीदारी की ही है, 3,000 के जोन्स पे खरीदें, यहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो इसको 30,90 तक ले जा सकता है। 2,950 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा, हालांकि दायरा इस ट्रेड का बहुत छोटा है। आप डिप में खरीदारी करते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित होगा आपके लिए। इसके अलावा ग्वार सीड पे खरीदारी करने की राय है, अक्टूबर वायदा 3,640 के स्तर पर, 3,580 का स्टॉप लॉस और 3,740 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कॉमोडिटी आज बहुत एक्टिव है। इसके अलावा सोयाबीन एक और कॉमोडिटी जहां पर बिकवाली की राय आई है, टारगेट्स हैं 3,160 के और स्टॉप लॉस 3,290 का इस ट्रेड पे आपको लगाना होगा। 3,240 पे अपनी पोजीशंस बनाएं, बेचकर चलें सोयाबीन एनसीडीएक्स पर। इसके अलावा गेहूं पे भी खरीदारी की राय आई, अक्टूबर वायदा में पोजीशन बनाई जा सकती है। केडिया कमोडिटी के जो लक्ष्य है वो है 1,780-1,720 पे आपको पोजीशन बनानी है और 1,690 का स्टॉप लॉस गेहूं पे अक्टूबर वायदा में लगा के चलना।